एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। आज जनाब बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैं बना रही हूँ मीठा पराठा। इसके लिए मैंने लिया है आटा और उसमें डाली है थोड़ी सी चीनी और उसको थोड़े थोड़े पानी डालकर गूंद लिया। जब आटा आपका गून जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसको रख दीजिएगा ताकि हमने जो चीनी इसके अंदर डाली है वो मेल्ट हो जाएगी और आटे में मिक्स हो जाएगी। ठीक है जनाब, इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब हम अपनी नानी के घर जाते थे तो हमारी नानी खुशी में मीठा पराठा बनाती थी। कौन कौन बचपन में मीठा पराठा खाता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए जनाब, आपको चीनी दिख रही होगी, ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी तो हमारा आटा तैयार हो जाएगा। अब 15-20 मिनट के बाद चीनी हमारी मेल्ट हो जाती है तो मैंने आटा लिया है, उसके थोड़े छोटे छोटे से दो पेड़े बनाए हैं और उसके बाद उन दोनों को सेम साइज़ में बेल लिया है। ये हमारे पास तैयार हो गई हैं दोनों रोटियां। इसमें मैं क्या करूँगी कि अंदर भी मैं ऊपर से चीनी ही इस तरह से डालूँगी। ठीक है, अब ये अंदर पक कर बड़े मज़े का टेस्ट देती हैं। अंदर चीनी पक जाती है, मतलब मेल्ट हो जाती है तो वो कैरमलाइज हो जाती है, जो बहुत मज़े का टेस्ट देती है। इसी तरह से करके दूसरी रोटी को मैं उसके ऊपर रखूँगी और चारों तरफ से उसको सील कर दूँगी ताकि चीनी हमारी बाहर ना निकले। फिर जनाब हम क्या करेंगे कि हम इसको आम नॉर्मल पराठा जैसे बनाते हैं उसी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से अच्छी तरह से। अच्छा, पराठा बनाते वक्त में एक टिप याद रखिएगा कि पराठों को, किसी भी किस्म का कोई भी पराठा बना रहे हैं, उसे एकदम से हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। आप जिस मीडियम फ्लेम पे जब अपने पराठे को पकाएंगे तो वो सॉफ्ट बनेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो वो एकदम से सख्त हो जाते हैं, एकदम से पक जाते हैं तो थोड़े कड़क कड़क से होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना हमारे पराठे कड़क होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, तो पराठों को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पकाइए और उसका आटा भी बहुत नरम नहीं गुना जाता, थोड़ा सा सख्त गुना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने पराठे को दोनों तरफ ऑयल लगा कर फ्राई कर लिया। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके बाद जब मेरा ये पराठा दोनों तरफ से सिक जाता है तो मैं एक काम और ये करती हूँ कि मैं ऊपर से चीनी इसके डाल देती हूँ, चीनी स्प्रिंकल कर दें। चीनी स्प्रिंकल करके उसको, और यहाँ पर आप फ्लेम को बंद कर दें, तवा तो हमारा गर्म ही होता है। उसके बाद आप इसको इस तरह से घुमाइए और जनाब हमारा पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। जो मैंने ऊपर से भी चीनी डाली है वो हल्की हल्की सी कैरमलाइज हो जाती है और जो खाने में बहुत ही मज़ा देती है। देखिए पराठा हमारा दोनों तरफ से तैयार हो गया है, बस अब इसे मैं निकाल लूँगी और निकाल कर सर्व कर लूँगी। सर्व करने के लिए भी आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट सिरप पोर कर लीजिए या कैरमल पोर कर लीजिए। दोनों चीज़ों के साथ ये बहुत मज़े का लगता है, किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों का तो फेवरेट होता ही है लेकिन बड़ों का भी बहुत फेवरेट होता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस को पसंद आया और कौन कौन अपने बचपन में ये खाता था। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फी अमान अल्लाह।